दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल कंटेंट गुरु के ऊपर। जीएसटी का एक हवा सा बन गया हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हर कोई जीएसटी जीएसटी जीएसटी, जैसे पता नहीं क्या फ्लू फैल गया होता है। जीएसटी बहुत ही अच्छी एक गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, बट इसकी अंडरस्टैंडिंग एसएमईज और इंडस्ट्री को बहुत कम है। स्पेशली एसएमईज जो हैं इसको फेस कर रहे हैं। एक बिजनेसमैन है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि जीएसटी को अपने बिजनेस के साथ कैसे इम्प्लीमेंटेशन में, कैसे एक्चुअली प्रोसेस में कैसे लाए। तो उसके लिए हमने एक सीरीज़ बनाई है जीएसटी से रिलेटेड, जिसमें हम इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट को अपने चैनल पे इनवाइट कर रहे हैं। आज जो हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, ही इज़ इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट जिनका कि 30 साल का एक्सपीरियंस है। ही इज़ अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज़ अ लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड ऑल्सो ही इज़ अ मैनेजमेंट ग्रेजुएट फ्रॉम फॉरेन ट्रेड। ये सिर्फ हमारे चैनल पे आके नहीं बात कर रहे हैं, इन्होंने अभी तक बहुत से बैंक्स के साथ और बहुत से फोरम्स के ऊपर लोगों को जीएसटी के बारे में जागरूक करा है। और इनकी सबसे बड़ी स्पेशलाइजेशन क्या है कि इन्होंने जीएसटी को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। जब आप इनको चैनल पे देखेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। उनका नाम है मिस्टर नंदा, मिस्टर संजीव नंदा। सो मैं इनको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी मिस्टर नंदा को अपने चैनल के ऊपर। नंदा जी आपका स्वागत है। और मैं अब, मेरा काम खत्म होता है। आज जो इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। जीएसटी है क्या, उसके बारे में ये बात करेंगे। ओवर टू मिस्टर नंदा। थैंक यू सारिका। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जीएसटी एंड वी विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। पहले मैं आपको जीएसटी क्यों आया, कैसे आया, उसका क्या बेनिफिट्स हैं वो थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए जीएसटी क्या है, जीएसटी एक अलग से कोई पीस नहीं है। अगर आप पूरा मोदी जी का गेम प्लान समझेंगे तो उन्होंने पहले क्या करा कि पहले उन्होंने फॉरेन से जो पैसा था इंडिया का वो वापस मंगाया, उस फॉरेन के पैसे के पीछे पड़े। उससे क्या हुआ है, पिछले 2-3 साल से इंडियंस का फॉरेन करेंसी का डिपॉजिट सब्सटेंशली कम हो गया है, क्योंकि अब हिंदुस्तानी बाहर पैसा नहीं लगा रहे, बाहर नहीं भेज रहे और इंडिया में ही लगा रहे हैं, विच वॉज द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट उन्होंने क्या करा, उन्होंने डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी करा, जो 8 नवंबर 2016 को हुआ। उससे क्या हुआ, जो हिंदुस्तान में कैश होल्ड करने का जो एक मोहब्बत थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी, कि जो बैंकों में जितना पैसा लोगों के घरों में पड़ा था, लोगों के तहखानों में पड़ा था, वो सारा मनी सर्कुलेशन में आ गया, या तो एक बार बैंक में जमा हो गया या चेंज हो गया। तीसरा, अब उन्होंने क्या करा है, जीएसटी लाए हैं। ये दिस इज़ नथिंग बट डीमोनेटाइजेशन ऑफ स्टॉक, यानी कि जो 2 नंबर की इन्वेस्टमेंट आपके स्टॉक में लोग करने के आदि थे उसको वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। और इसके बाद वो एक और एक्ट लाए हुए हैं जो ऑलरेडी पार्लियामेंट से पास्ड है, वो है बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट। वो बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट लगने के बाद जो बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके पीछे पड़ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, लोगों के दिमाग में ये बात वो घर करना चाहते हैं, ये समझाना चाहते हैं उनको अच्छे से कि ना तो आप कब कैश में रख पाएंगे 2 नंबर का पैसा, ना आप स्टॉक में रख पाएंगे, और ना ही आप अब उस पैसे को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर पाएंगे, सिवाय शादी के और ज्वेलरी के अब 2 नंबर का पैसा आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए लोगों को लगता है कि मोदी जी, देयर इज़ अ मेथड टू इज मैडनेस एंड द मेथड इज़ दिस। तीसरा चौथा जो और एक वो काम करने वाले हैं, इसके बाद उन्होंने 2 नंबर का माल आप ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे, उसके लिए भी प्रोविजन्स कर दिए हैं इस एक्ट के अंदर। तो होता क्या है, या तो 2 नंबर का माल बनेगा नहीं, बनेगा तो क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा तो इसलिए लोग बनाना छोड़ देंगे। उनका पर्पस सिर्फ ये है कि जो हिंदुस्तान जो 2040 में जाके वर्ल्ड पावर कहीं बने वो 2030 में बन जाए, ताकि जितने हमारी प्रोडक्शन है वो सारी रिपोर्ट हो, जितनी हमारी इनकम है वो सारी रिपोर्ट हो, और जो लोग डायरेक्ट टैक्स नहीं देते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स दें, ताकि देश के अंदर सरकार के पास रेवेन्यू आए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। ये तो है जीएसटी का बैकग्राउंड। ये तो हो गया देश के लिए क्या है, अब हमारे लिए क्या है, एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन के लिए क्या है, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आप जो ये स्लाइड देखेंगे उसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक डोरा उलझे हुए डोरे हैं और एक सुलझा हुआ डोरे का गोला बना हुआ है। वो क्या है कि जो आदमी अब नहीं सुधरेगा उसका रायता इतना फैलने वाला है कि उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी अपना धंधा संभालने की। और जो धंधे टैक्स की चोरी पे अब तक चल रहे थे, जो भी बिजनेस मॉडल विच वर ओनली सर्वाइविंग ऑन नॉट पेइंग टैक्सेस विल नाउ नो मोर बी वैलिड बिजनेस मॉडल्स।
आपको ये हमेशा देखना पड़ेगा कि अब आज के बाद आप जो भी बिजनेस मॉडल अपना निकालें उसमें आप ये मान के चलें कि आपकी जो टैक्स की इनकम और जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो हमेशा जो है वो अलग होने चाहिए, दे शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन टैक्स. सो नाउ टॉकिंग अबाउट जीएसटी, जीएसटी इज नथिंग बट डिमोनेटाइजेशन ऑफ स्टॉक, ये मैंने आपको पहले बता दिया. उसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ कि जीएसटी इज अ गेम चेंजर टैक्स. जी स्टैंड्स फॉर गेम चेंजर, एस स्टैंड्स फॉर सिस्टमेटिक टैक्स एंड टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपेरेंट टैक्स और इट इज अ गुड्स एंड ग्रेट एंड सर्विस टैक्स. सो बेसिकली जीएसटी इन टेक्नोलॉजिकली से यू से इज कॉल्ड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बट अदरवाइज इट्स अ ग्रेट एंड सिंपल टैक्स सिस्टम. इसमें सीधा सीधा दो टैक्स हैं, एक सीजीएसटी एक एसजीएसटी, और अगर आप विद इन द स्टेट नहीं सेल कर रहे हैं तो एक आईजीएसटी. तो कुल मिला के जितने भी टैक्सेस इनडायरेक्ट थे दे हैव नाउ बीन रिड्यूस्ड इनटू टू टैक्सेस. वन इज सेंट्रल जीएसटी विच वी विल कॉल एज सीजीएसटी एंड वन इज स्टेट जीएसटी विच वी विल कॉल एज एसजीएसटी. अब क्या हुआ है कि हिंदुस्तान कोई पहला देश नहीं है, टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट कहाँ से जीएसटी स्टार्ट हुआ. सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लगा था 1954 में. 10-15 साल लोग ये समझते रहे कि फ्रांस के मॉडल को एक स्टडी करते रहे कि भाई वो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है. उसके बाद पूरे यूरोप में जीएसटी लगा, वहाँ पे उसको वैल्यू एडेड टैक्स भी कहते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी कहते हैं. और वो उसका मेन पर्पस क्या है कि देयर इज़ नो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, कि टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता है. जैसे अभी इंडिया में क्या होता है कि अगर आप एक्साइज ड्यूटी दे रहे हैं तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड हो जाती है, उसके बाद जब एक्साइज ड्यूटी जुड़े हुए प्राइस के ऊपर वैट लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स लगता है, उसके वैट जुड़ने के बाद जो प्राइस आती है उसके ऊपर ऑक्ट्रॉय लगती है. तो आप टैक्स पे भी टैक्स दे रहे हैं और प्राइस पे भी टैक्स दे रहे हैं. तो जीएसटी के अंदर वो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स नहीं होगा, जो इसकी सबसे बड़ी खूबी है. और दो कंट्री ऐसे हैं वर्ल्ड के जो बड़े जो कॉन्टिनेंट हैं जिन्होंने जीएसटी नहीं लगाया है, वो एक यूएसए है और एक गल्फ है. गल्फ में इसलिए नहीं लगा है क्योंकि गल्फ के अंदर अभी तक और भी कोई टैक्स नहीं है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी नहीं है, इसलिए नहीं लगा है. और अमेरिका ने इसलिए नहीं लगाया है कि हिंदुस्तान की तरह वहाँ पे भी स्टेट और फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है. तो जब तक आप स्टेट्स को राजी नहीं करेंगे तब तक आप एक सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम नहीं ला सकते. इंडिया के अंदर ये करने के लिए हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 101 लाए, जिसके अंदर स्टेट्स जो इनडायरेक्ट टैक्स लगाती थी वो स्टेट लिस्ट में लगाती थी, सेंटर जो इनडायरेक्ट टैक्स लगाता था वो सेंट्रल लिस्ट में लगाता था. दोनों ने अपनी पावर गिव अप करके और हम लोगों ने उस दोनों इनडायरेक्ट टैक्सेस को कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट करा. उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाना पड़ा, जो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बोला जाता है, जिसको 2/3 मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट से पास हुआ और 15 स्टेटों ने जिसको सेंक्शन दी, तब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वैलिड होता है. ये काम करने में सरकार को 2 साल लग गए. अब इसीलिए जीएसटी 2-2.5 साल डिले से आया है. दूसरा उससे क्या हुआ है कि क्योंकि ये कॉन्करेंट उस पर आ गया है, तो अब इसके बाद गवर्नमेंट जो है एक जीएसटी काउंसिल बना पाई है और वो जो जीएसटी काउंसिल है वही अब सारे रूल्स फ्रेम करेगी और सारे लॉज फ्रेम कर रही है जो अब पास हो रहे हैं. तो इससे क्या एडवांटेज हुआ है कि अब जो कुछ भी होगा पूरा देश एक ही टैक्स सिस्टम में आ गया है. ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर पूरा टैक्स एक सिस्टम में आ जाए और सारी स्टेट्स के अंदर एक ही रेट से टैक्स लगे. अभी सिर्फ कुछ चेंजेस हैं कि अभी इंडिया हैज़ बिकम वन कंट्री फॉर टैक्स पर्पसेस बट ओनली फॉर रेट पर्पसेस. अभी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको स्टेट टू स्टेट, आप एक स्टेट का दूसरी स्टेट में नहीं ले पाएंगे, वो आपका स्टेट टू स्टेट रहेगा. तो ये मैंने आपको एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी की इंट्रोडक्शन दी है कि जीएसटी के अंदर क्या हुआ है. अब इसकी नेक्स्ट सीरीज में मैं आपको ये बताऊंगा कि जीएसटी क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसके नुकसान हैं, क्या उसके वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा, क्या बेसिक उसमें फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं, ये सारे चीज़ें हम आगे नेक्स्ट सीरीज में कवर करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में. थैंक यू वेरी मच.